है, काफी गहमागहमी लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। राज्यवर्धन राठौड़ अभी निकल करके गए, हमने विजुअल भी दिखाया, उन्होंने कहा भी कि अभी कोई सूचना नहीं है। यहाँ अभी जो भी बात कर रहा है मीडिया से, कैलाश चौधरी यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं, महंत प्रतापपुरी को सब घेर के खड़े हैं। मंत्री में मंडल में जाने के लिए हर कोई कवायद तो करता है, लेकिन अभी उसे वो खारिज कर रहे हैं। और अभी क्या नंबर आएगा, किसका आएगा, जैसे क्योंकि अभी भी वो सूची जो है वो पशुपेस की स्थिति में है कि कौन शामिल होगा, यानी कि अभी उसमें भी मुझे लग रहा है कोई आपको सरप्राइज मिल सकता है जब शपथ ग्रहण होगा। टाइम बहुत कम रखा है कि हो सकता है कि मंत्रिपरिषद की जो शपथ है मध्य प्रदेश की तर्ज पे भी हो सकती है यहाँ पे, जिसमें एक साथ सभी को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई जा सकती है। देखिये यहाँ पे कार्यकर्ताओं का और कुछ विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और लगातार भाजपा कार्यालय में यह भीड़ बढ़ती जा रही है। एक जरूर बात मुझे पता लग पा रही है कि जब जो अधिकृत सूची है जिसे बुला लिया गया है, शायद मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले उन लोगों का बीजेपी ऑफिस में एक स्वागत सत्कार किया जाए या उसके बाद में बुलाते हैं, क्योंकि एक परंपरा मैंने बीजेपी में अक्सर देखी है, कांग्रेस में भी कई बार देखा गया है कि जिन विधायकों को शपथ दिलाई जाती है उन विधायकों को बुलाया जाता है और उनके तिलक महिला मोर्चा की ओर से उनका रेस्पेक्ट किया जाता है। तो वो भी अनिल है हमारे साथ में। अनिल, इस तरह की कुछ तैयारी है कि जो विधायक मंत्री बनेंगे उनके लिए कुछ यहाँ पे महिला मोर्चा की ओर से या पार्टी की ओर से उनके स्वागत या उसकी कोई तैयारी हो? देखिए, पिछली बार जब वसुंधरा सरकार बनी थी उस समय जरूर इस तरह के स्वागत किया गया था, लेकिन अभी तक विधिवत अगर कार्यक्रम देखा जाए, शेड्यूल भी जारी नहीं किया, इस तरह की तैयारी भी नहीं की। मुख्यालय में विधायक जरूर पहुंच रहे लेकिन मुलाकात करके वापस भी लौट रहे। हमने देखा महंत प्रतापपुरी लौटे, जवाहर बेडम यहाँ से वापस लौट चुके हैं और सापरा से विधायक जो है लालाराम बेरोवा भी आए हैं। तो ये जो आने जाने का सिलसिला है विधायकों का, क्योंकि बड़ी समय 115 विधायक है लेकिन चुनिंदा लोग यहाँ पर मुख्यालय में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से संकेत लग सकता है कि ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको लगभग माना जा रहा है, क्योंकि सभी का तो इसमें सूची में नाम शामिल है या नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश नेतृत्व को शायद शुभकामना देने के लिए और आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। और उसी रणनीतिक तहत अभी तक शेड्यूल तो जारी नहीं किया, लेकिन ये एक बीजेपी की परंपरा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, मंत्रिमंडल का गठन हो, यहाँ से जो है तमाम जो उनका स्वागत किया जाता था विधायकों का, फिर यहाँ से तिलक लगाकर राजभवन भेजा जाता था और राजभवन में फिर वो शपथ ग्रहण वहां पर करते थे। तो लेकिन फिलहाल जिस तरह से वापस जो विधायक यहाँ पर लौट रहे हैं उससे ये संकेत इस बार लगता है कि शायद शपथ लेने के बाद में हो सकता है कि शपथ लेने के बाद में उनको वापस मुख्यालय बुलाया जाए और मुख्यालय बुलाकर फिर कोई उनका स्वागत यहाँ पर किया जाए। लेकिन अभी तक समय है थोड़ा, अभी 1 बजा है, 1:15 बजे का समय राजभवन में शपथ ग्रहण का है और विधायकों को अगर देखा जाए तो 2:30 बजे बाद में सिलसिला उधर का रुख हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का समय बीजेपी कार्यालय में पहुंचने का भी है और कोई स्वागत का कार्यक्रम होगा तो उसको भी यहाँ पर तुरंत फुर्त में करना पड़ेगा। जी जी, एक चीज जैसे ये पता चल पा रहा है कि 15 मिनट का ही वहाँ पे अधिकृत कार्यक्रम रखा गया, तो सामूहिक शपथ के रूप में भी मान के चल सकते हैं या बढ़ाया जा सकता है? हो सकता है, अगर 15 मिनट का समय है, कम समय लिया गया तो तमाम जो लोग हैं उनको सामूहिक शपथ भी दिलाई जा सकती है, लेकिन कम समय है तो ये भी एक संकेत देता है कि हमने देखा था सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था 10 दिन पहले कि छोटा मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि उसके अभी कयास कम नजर आ रहे हैं कि छोटा ही होगा, काफी मंथन किया गया है, 3 बार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली जाकर आए हैं तो छोटा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी हम देखें तो वहां पे भी जो सूची है उसको छोटी नहीं कही जा सकती है, काफी कुछ ठीक ठाक सूची दी गई है। हाँ हाँ, पूरी अगर देख छत्तीसगढ़ में देखा जाए या मध्य प्रदेश को देखा जाए, पूरी विस्तृत सूची है ये। वहां पर अगर सीटों को खाली कर देखा जाए तो 2 से 3 सीटें मध्य प्रदेश में होंगी जो कि और बाकी वहां पर रखी गई है, बाकी तमाम जो सीटें जितनी होती है मंत्रिमंडल के लिए वो वहां पर फुल कर दी गई, तो उसका आधार अगर यहां पर लिया जाता है तो ये संकेत जरूर है कि यहां पर 20 से 21 जो नाम उनको शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। लेकिन अगर 15 मिनट का समय लिया गया, 21 नाम वहां पर शपथ लेते हैं तो फिर वहां पर सामूहिक शपथ का जो है वो आयोजन वहां पर हो सकता है। हमने देखा था छत्तीसगढ़ की कल ही विभाग बांटे, मंत्रिमंडल का विस्तार पहले कर दिया गया था और उसमें एक रोचक बात और मेरे को छत्तीसगढ़ के देखने को मिली कि गृह और वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास में नहीं है, यानी राजस्थान में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो यहां से भी ये कयास लग सकते हैं कि राजस्थान में
आज मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके 2-3 दिन बाद में संभावना की विभागों का जो बंटवारा है वो यहाँ पर किया जाए, और उसमें भी डिपार्टमेंट का बंटवारा जो होगा उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की छाप देखने को मिलेगी, क्योंकि टिकट वितरण से लेकर हम देख रहे हैं लगातार, चाहे सांसदों को टिकट देने का सिलसिला आया, मध्य प्रदेश में पहले टिकट दी गई थी, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, और राजस्थान में कुछ इसी तरह का सिलसिला चला कि सांसदों को भी चुनावी मैदान में पहली लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर दिया गया था। तो ये जो छाप है, ये जो छाया है, ये जो है अलग अलग देखने को मिल रही है। हमने देखा तीनों स्टेट के अंदर नए चेहरे मुख्यमंत्री बने, जबकि शिवराज सिंह कद्दावर थे, और पूरी तरह से माना जा रहा है कि जिस तरह से बहुमत बीजेपी को मिला है 160 सीटों से अभाव, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को वापस से सत्ता में ला सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जो ठानी थी और बदलाव जो चाह रहा था वो वहां पर किया, मोहन यादव का कमान वहां पर सौंपी गई, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से आदिवासी चेहरे को आगे लाया गया, और राजस्थान में भी जो चल रहा था कि सत्ता बहुमत आने के बाद में कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसके बाद हमने देखा लगातार बदलाव हुए, नए चेहरे वहां पर लिए गए, लेकिन तीनों अगर स्टेट का जीतने के बाद में सीक्वेंस देखा जाए, सांसदों को टिकट देने का हो, मुख्यमंत्री चेहरे बदलने के सिस्टम को देखा जाए, और अब जब विभाग बंटवारा हो रहा है तो उसमें भी देखने को मिल रहा है गृह और वित्त दोनों जो डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं है, तो यहाँ से भी नजर आ सकता है कि संभावना हो कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को दोनों डिपार्टमेंट नहीं दिए जाएं, ताकि दो चेहरे और ऐसे मजबूत खड़े किए जा सकें जो कि उस लेवल के हों। जी चले अनिल, विभाग नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि अभी तो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मंत्री कौन बनता है। दरअसल बाहर की गहमागहमी की अगर बात करें तो क्या स्थिति है बाहर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे नहीं होंगे, फोन को लेकर एक उत्सुकता लोगों में देखी जा रही है कि फोन कॉल किन के पास आए हैं, किन किन के पास फोन कॉल के जरिए उनको सूचना दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है या समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जवाहर सिंह बेडम हो, महंत प्रतापपुरी हो, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास फोन गए हैं, जावर सिंह खर्राओ, ऐसे कई लोग हैं जो फोन कॉल गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि 20 से 25 या 20 से 22 जो चेहरे होंगे, क्या वो चेहरे उनको बता दिया गया है, या कह सकते हैं फोन कॉल के जरिए ये भी सूचना मिल रही है कि कई संभाग, जैसे मेवाड़ संभाग की बात करें तो तकरीबन 5 से 7 जो विधायक उनको फोन कॉल किया गया और कहा गया है कि आप जयपुर पहुंचे, तो ऐसे में इस तरह के कयास हैं कि क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कि जो सीनियर नेता उनका ये कहना है कि सभी वर्गों को इसमें साधा जाएगा, और खास तौर पे इस मंत्रिमंडल पर झलक 2024 का जो इलेक्शन आम चुनाव होगा उसकी दिख सकती है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन मात्र 4-5 से 6 महीने उस इलेक्शन में बचा है, तो हर वर्ग को कैसे प्रतिनिधित्व मिला इसका फायदा उस चुनाव में पार्टी को मिले, ये कहीं ना कहीं हो सकता है इस पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार आज होने जा रहा है 3:15 बजे उसमें दिख सकता है। बहरहाल कई विधायक जो है वो बीजेपी दफ्तर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात करके वो वापस कह सकते हैं अपने कह सकते हैं जो उनके घर है वहां पर वो लौट रहे हैं, और वो वहां से सीधे फिर 3 बजे के करीब सीधे वो राजभवन पहुंचेंगे, ऐसी उनको सूचना और जानकारी पार्टी मुख्यालय की तरफ से दी गई है। हालांकि दो नाम ऐसे हैं जिनको बताया जा रहा है, उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से फोन कॉल किया गया है, जिसमें जवाहर सिंह बेडम और दूसरा जावर सिंह खर्रा, ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास फोन कॉल आया है। जी जी चलिए, हरि सिंह रावत भी यहाँ पहुंच चुके हैं, भीम से विधायक हैं हरि सिंह रावत, और देखिए जी हरि सिंह जी का चेहरा मुस्कुराता, हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन आज कुछ मुस्कुराहट में 4 चांद लगने वाले हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं ऐसा कुछ बोला नहीं है, अभी आए हैं, देखो क्या होता है। मंत्रिमंडल के शपथ के लिए आए हैं कि जो साथी शामिल होंगे? हम शपथ दिलवाने आए। चलिए हरि सिंह जी, एक कद्दावर नेता है बीजेपी के और पूर्व विधायक भी है, मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं वो, उनका साफ कहना है कि एक मैं बड़ी बात जरूर यहाँ देख रहा हूँ कि हर विधायक यही कह रहा है कि हम शपथ दिलवाने के लिए आए साथियों को, लेकिन हम साथी शपथ कौन लेंगे ये बड़ा सवाल है। अभी तक भी ये जिज्ञासा बनी हुई है, कुछ एक लोगों को छोड़ दे जिन्होंने ठप्पा लगाया कि हाँ हमें फोन कॉल गया है, उसके अलावा अगर बात करें तो अभी कोई भी हामी नहीं भर रहा है कि हाँ हमें यहाँ बुलाया गया। लेकिन मेरा अपना मानना है और जिस तरह की चीजें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनिंदा विधायक भाजपा कार्यालय में पहुंच रहे हैं, तो जब वो पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सूचना दी गई है तभी वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी चलिए, आप कहाँ से आए? मैं दौत से राजेंद्र सिंह शेखावत, और राजस्थान शहीद वेलफेयर के लिए। तो चलिए आप ये बताइए कि आप किसके साथ आए हैं? मैं, हमारे एमएलए आएंगे गोवर्धन जी वर्मा, उनके लिए मैं आया हूँ जी। उनको सूचना मिली है कुछ?
सूचना अभी किसी को नहीं मिली है, क्योंकि जिस प्रकार पेपर आउट होते थे कांग्रेस राज में 19 बार पेपर आउट हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चंद मिनट रहे। लेकिन टाइम से पहले तो खोलना पड़ता है, जब टाइम ही निकल जाएगा तो पेपर आउट जब पेपर दे दिया जाएगा उसी के साथ जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी की पर्ची खुली थी उसी प्रकार से जो भी हमारे प्रतिनिधि। तो आपका कहना है कि सारे 115 विधायक वहाँ मौजूद रहेंगे, फिर उनमें से पर्ची दी जाएगी कि इनका नंबर आ गया? हाँ, राज्यपाल के यहाँ से उनके नामों का नाम पुकारा जाएगा। सर, सारे विधायकों को बुलाया क्या आपको? अगर पूरी जानकारी है तो आप ही बताइए। सभी विधायक वहाँ उपस्थित रहेंगे और जो हरे हुए। चलिए, खैर, ये जनाब कह रहे हैं कि सभी विधायक वहाँ रहेंगे और जैसे पर्ची निकली थी भजनलाल जी के नाम की, उसी तरह से वहाँ पर्चियां निकाली जाएगी। लेकिन मुझे इस बात में कोई दम दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि वहां पे एक एक की पर्ची। मुझे तो जहां तक लगता है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पे शपथ भी सामूहिक रूप से ही होगी, ऐसा लगता है। तो चलिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी काफी देर से बीजेपी ऑफिस में हैं, आप कौन-कौन हैं, अंदर क्या चर्चाएं चल रही हैं? नहीं, सबको जो वरिष्ठ लोग सब अपने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी वही साहब से और संगठन ऊपर जाके चर्चा कर रहे हैं और बुला के पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सबको, या बुला बुला के बातें कर रहे हैं। और जो होगा अच्छा ही होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अच्छा होगा, अच्छे लोग आएंगे और विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कराएगी। खैर, देखिए, जो यहाँ पे आ रहा है उसका एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि चेहरे पे काफी मुस्कुराहट है उसके। हो सकता है कि कुछ इस तरह के निर्देश हों कि ये कोई भी जाहिर नहीं करेगा कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है ये तो पता नहीं है। हालांकि झाबर सिंह खर्रा ने जरूर कह दिया है कि हाँ, मुझे फोन कॉल आया है और कि आपको शपथ लेनी है, तो उस हिसाब से वो जयपुर आए हैं। अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि आज राजभवन से पहले यहां की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी ऑफिस का आपने माहौल देखा। थोड़ा सा मैं आपको बाहर लेकर के चलना चाहता हूं कि भाजपा कार्यालय के बाहर भी कुछ लोग जमा हैं जो अपने नेता का, अपने विधायक का भी इंतजार कर रहे हैं और वहां की गहमागहमी से भी रूबरू करा रहे हैं कि यहां बने रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग आएंगे उनसे चर्चा होगी, फिर कोई एक ऐसा चेहरा है जो यहां जिसे बुलाया गया है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो तय मान के चलिए कि जिसे बुलाया गया है वही यहां पे पहुंच रहा है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी के पास में फोन कॉल नहीं गई है और वो वैसे ही चल करके आ जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। देखते हैं कौन है इसमें अभी आए हैं। चलिए देखते हैं एक बार। अच्छा, ये राष्ट्रीय सचिव हैं विजया राहटकर, वो पहुंची हैं यहाँ पे और वो विजया राहटकर यहाँ पे पहुंची हैं, मीडिया से घिरी हुई हैं और उनसे चर्चा की जा रही है, मीडिया से बात कर रही हैं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण है तो वो भी जरूर यहां पहुंच रही हैं। विजया राहटकर, अनिल से बात हुई है उनकी, तो एक बार जानना भी चाहेंगे उनसे कि राहटकर क्या कह रही हैं। अभी मैं विजया राहटकर सह प्रभारी और वो यहाँ पे पहुंची हैं, क्योंकि सह प्रभारी हैं तो जाहिर है कि उन्हें तो शामिल होना ही है। अभी अभी देखिए, सुरेंद्र सिंह राठौर जी, पार्टी कर रहे हैं वो भी सुरेंद्र सिंह राठौड़ अकेले व्यक्ति नहीं है जो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी कार्यालय आया हूं, क्योंकि हर विधायक जो यहां पे आ रहा है वो यही कह रहा है कि पार्टी कार्यालय आया हूं मैं। और यहां आने की वजह सिर्फ यही है कि जो साथी जिन्हें मंत्रिमंडल का की शपथ दिलानी है उन लोगों के लिए वो आए हैं, उन्हें शपथ दिलाने के लिए, उनका उनको बधाई देने के लिए आए हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि हाँ मुझे फोन आ गया है और मैं शपथ लेने के लिए आया हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि झाबर सिंह खर्रा एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने कह दिया, या फिर सीधे इंसान है, उन्होंने इस बात पे ठप्पा लगा दिया कि हाँ मुझे बुलाया गया। बाकी लोग कुछ
ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं कि हमें सूचना मिली है नहीं मिली है, कहा जाए नहीं कहा जाए, ये कुछ बातें हैं। अभी अनिल आ रहा है, एक बार उनसे हम जानना चाहेंगे कि अभी उनकी विजया राठकर से बात हुई है, उनकी बात हुई है तो क्या उनका कहना है। अनिल, आपकी विजया राठकर जी से बात हुई है, सह प्रभारी हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, विजय जी कह रही हैं कि थोड़े समय का इंतजार है और तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन काफी जदोजहद चली, काफी मंथन जो किया गया था वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आएगी और उसी को देखते हुए